नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। आप देख रहे हैं अरविंद टेक्निकल। ये आपके सामने सोनी का टीवी है। इसमें मैंने क्या किया, जो एलजी का जो मैंने पैनल लगाया, एलजी का पैनल लगाया, पहले वन का पैनल था। ये बी सीरीज़ का टीवी है। ये मॉडल नंबर भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये बी सीरीज़ का टीवी है सोनी का। और मैंने पैनल लगाने के बाद, पैनल आईडी देने के भी बाद, तो ये पिक्चर इसमें कैसा आ रहा है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। मैंने लाइन दिया और सोनी का जो लोगो है उल्टा आ रहा है, जैसे कि ये देख रहे हैं पिक्चर मिरर आ रहा है। तो सोनी का टीवी में होता क्या है कि सर्विस मोड से आप मिरर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। डीओयू का पैनल लगता है और ये जो इसके अंदर जो पैनल का आईडी होता है उसके वजह से ऐसा पिक्चर होता है। तो मैंने एलजी का इस बार पैनल लगाया, एलजी का टिकोन वाला जो पैनल लगाया, और बिना सॉफ्टवेयर किए मैं आज आपको बताऊँगा पिक्चर उल्टा कैसे होता है, उल्टा पिक्चर का उल्टा कैसे कर सकते हैं, मिरर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर किए। आप इसको पिक्चर को सुलटा कर सकते हैं सोनी टीवी को। तो वीडियो के साथ आप बने रहे दोस्तों, मैं कैसे आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना का कोशिश करूंगा कि मैंने क्या क्या कैसे सेट किया। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये मॉडल नंबर है, देख मॉडल नंबर KLV32R302B, यानी कि बी सीरीज 2015 का यह मॉडल है। तो काफ़ी पुराना मॉडल है। तो मैंने इसको मॉडल को थोड़ा साइड करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका मदरबोर्ड और ये देखिए पैनल को एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पैनल एलजी का टिकोन वाला पैनल है, जैसे कि आप देख रहे हैं एलजी का टिकोन वाला पैनल है। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो टिकोन है थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन मैंने आपको करके दिखाऊंगा। तो ये टिकोन को मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पर लगाया। और पैनल आईडी जो होता है ब्लिंकिंग करने के लिए, तो मैंने पैनल आईडी पहले जो पैनल लगा हुआ था उसी पैनल को मैंने यूज़ किया। देख रहे हैं आप, अलग से एक मॉड्यूल भी आता है ब्लिंकिंग करने के हटाने के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बिना सॉफ्टवेयर किए, आपको मैं तरीका बता रहा हूँ बिना सॉफ्टवेयर के। यहाँ पर मैंने पैनल आईडी दिया। पैनल आईडी देने के बाद ये जो वायर है LG टू सैमसंग, ये जो देख रहे हैं इधर से LG है और इधर से सैमसंग है जो BOE है, तो इधर से कनेक्ट कर मैं यहाँ पर लाइन दे दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दो पैनल आईडी का जो नंबर होता है वो मैं आपको बारीकी से सारा सिस्टम मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने किया। तो आप देख रहे हैं ये देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों यहाँ का जो SCL और SDA जो पैनल का ब्लिंकिंग होता है, ब्लिंकिंग के लिए जो डाटा होता है, यहाँ से मैंने जंपर किया। और जंपर करने के बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पहले जो पैनल लगा हुआ था उस पर मैंने हिट कर दिया हूँ। थोड़ा मैं आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख रहे हैं हम SDA और SCL, यहाँ पर मैंने जंपर कर दिया हूँ। तो ये जंपर डायरेक्ट मैंने यहाँ से लिया हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने लिया। तो वो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और LG का वन का पैनल में आप LG का पैनल जो लगाइएगा तो पिक्चर उल्टा आएगा। तो उल्टा कैसे किया जाता है, बिना सॉफ्टवेयर किए, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं करना पड़ेगा आपको, और ये पिक्चर उल्टा पिक्चर को उल्टा कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। तो इस टिकोन में ये नया टिकोन है, तो मैं आपको इस टिकोन के बारे में मैं आपको कुछ फीचर दिखाता हूँ। जैसे कि नंबर आप देख रहे हैं, तो ये जो देख रहे हैं 0 डिग्री में लगा हुआ है, ये जो देख रहे हैं 0 डिग्री में लगा है, दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मैं रेजिस्टेंस को थोड़ा नज़दीकी करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हैं S1 और S3 जो दिखाई दे रहा है 0 डिग्री में, वहाँ से उठाकर 180 डिग्री में आपको सेट कर देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और 1-3 में लगा हुआ है और 2-4 में आपको सेट कर देना है, वहाँ पर उठाकर वहाँ पर कर देना है। ये जो दोनों रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर उठाकर यहाँ पर कर देना, ये रेजिस्टेंस उठाकर यहाँ पर कर देना, तो मिरर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा तो पिक्चर उल्टा कैसे होता है बिना सॉफ्टवेयर किए, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपको करना नहीं पड़ेगा, आप पिक्चर और उल्टा कर सकते हैं। तो ये जो पैनल है आप देख रहे हैं एलजी वाला, ई सीरीज में भी लगा सकते हैं और बी सीरीज में, डी सीरीज में, ए सीरीज में भी लगा सकते हैं, कोई भी सीरीज में ये पैनल लगा सकते हैं। सिर्फ इस तरह का आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है और वीडियो पूरा वॉच करके देखिएगा। तो वीडियो के साथ आप बने रहे, मैं रेजिस्टेंस आपको लगा कर मैं चेक करके मैं आपको दिखाता हूँ।
तो मैंने रेजिस्टेंस को जो आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंस को मैंने सेट कर दिया हूँ, और अच्छा से एक बार सोल्डिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। तो मैंने रेजिस्टेंस जो यहाँ पर था उसको मैंने 180 डिग्री पर मैंने लगा दिया हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैंने पैनल को ओपन करके इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि पता चले कि इसमें LG का ही पैनल लगा हुआ है। तो एक बार मैं लाइन काट के आपको दिखाता हूँ, और फिर से दूसरा टिकॉन लगा के भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि स्क्रीन पर देखिए सोनी का लोगो सीधा आ गया, और देख रहे हैं आप सोनी का लोगो आ गया, और देखिए राइटिंग सीधा भी है। और ये टिकॉन इसमें मैं फिर से मैं दूसरा टिकॉन लगाऊंगा सेम टू सेम, जिसमें ये जो रेजिस्टेंस है इधर लगा होगा, तो पिक्चर कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए उल्टा पिक्चर आ गया, और ये जो आप देख रहे हैं देखिए इधर से उल्टा होना चाहिए तो उधर हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस जो है 0 डिग्री पर लगा हुआ है, और पहले जो लगाए थे 180 डिग्री पर था, इसी वजह से ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और देखिए ये देखिए इसमें दोनों में अंतर क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पर लगाने से उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर लगाने से उल्टा हो जाएगा, तो इसी चक्कर है। तो मैं ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।